पता है, वेद व्यास जी ने इतना कुछ बता रखा है, हम हनुमान जी की पूजा ही नहीं करते फिर तो हम हनुमान जी को क्यों मानते हैं? हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर नहीं जाते, डॉक्टर ने तो खुद हॉस्पिटल में हम पहले जाते हुए डरते भी क्यों थे, हम मीठा खाते हुए डरते भी क्यों थे, इत्र लगाते हुए डरते भी क्यों थे, इसके पीछे क्या रहस्य था? डरते इसलिए तो थे कि भूत प्रेत होते हैं बाहर, वे लग जाएंगे, और वे आज भी लगते हैं और तब भी लगते थे। कितनी अच्छी बात बताई लड़की ने। अब आप सोचिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मंदिर क्यों बना रखा है फिर? मंदिर की क्या जरूरत है? मंदिर की क्या जरूरत है अगर पॉजिटिव वेव ना हो तो? और वो पॉजिटिव वेव मानते नहीं और निगेटिव वेव नहीं मानते, फिर मंदिर का क्या काम है हॉस्पिटल में है? फिर तो ये नीचता है निरी, अगर लोगों को बहका रहे हैं और अपना जो है ना केवल धंधा एक है कि धन कमाना, धन कमाना ही धंधा है, बोलो है कि नहीं? है क्या नहीं मानता डॉक्टर? वेव्स नहीं मानता, ये मैं बताऊं इंडियन डॉक्टर्स का क्या है ना, वो कुछ नहीं मानते, वो सिर्फ मानते अच्छा इससे ये दवाई नहीं काम कर रही, ले ये दूसरी लगा ले। बाहर जो डॉक्टर इलाज होते हैं, जैसे हमारे जेठ जी है वो अमेरिका रहते हैं, वहाँ ना अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ तो कहेंगे 3 दिन रुको 5 दिन रुको, अपने आप घर में सही होगा, आपको तुरंत एंटीबायोटिक लिख के कोर्स नहीं करा देंगे ताकि आपका शरीर खराब हो। यही बात मैं करवाना चाहता था किसी इंडियन लड़की से और वो इसने कह दी, ये पढ़ी लिखी है करे डॉक्टर मुकाबला, इसने बायोटेक की है केमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से की है, और उसने जो बातें बताई हैं वो विज्ञान पे आधारित है ना कि निराधार है। यहाँ देखिए आप बात बात पे सिजेरियन हो जाता है, 25-25, 30-30 साल की लड़कियों के पेट कट जाते हैं, हाँ। वहाँ 45 साल में भी 10 साल के बच्चे की 10 साल के बच्चे की पित्त की थैली निकाल रखी है, मेरा अंतर वाला रोता है मुझे वो डॉक्टर मिल जाए हराम, तो उसकी क्या कहते हैं उसके पैर पकड़ के ऊपर से उछाल के जैसे कुश्ती का पहलवान मारता है ऐसे देख के मारू। अब वही अब पीसीओडी यहाँ हो गया, आपको क्या करके हार्मोन की मेडिकेशन निकाल देते हैं, उसको ये नहीं डायग्नोस करेंगे क्यों हुआ है, वहाँ पे अलग अलग हो सकता है फूड एलर्जी से अच्छा, है, हाँ। कैसे है कैसे नहीं है वो सब कुछ डायग्नोस होता है, ये नहीं होता है। और वो कंप्यूटर में होता है डॉक्टरों के, हाँ। वो आपके कोड से 1 मिनट में बता देते हैं आपको ये दवाई शूट करती है या नहीं करती, टेस्ट होते हैं और जो आपने आज तक दवाइयाँ खाई है वो सारी लिखित में होती है, बिल्कुल, और किस डॉक्टर से खाई है वो भी लिखित में होती है, और प्रत्येक पर्चा होता है आप देख लीजिए आपका एक कोड होता है बस। यहाँ पे अब आप खाने का सामान ही ले लीजिए, खाने के सामान में कोई जो होते हैं ना कि रेगुलेटरी पूरे नियम होते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं। जूसेस आप ले आएंगे तो उसमें सैक्रीन मिलेगा, कंसंट्रेशन जो होती है ना जूस की वो कम मिलेगी, आप बाहर जाइए वहाँ पे ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, और अगर उस मापदंड पे आप खड़े नहीं है तो आपको वहीं बैन कर दिया जाएगा, वही डॉक्टर्स के साथ ही है तो एक नहीं मतलब... अमेरिकन ज्यादा हमारे से इसलिए जीने लग गए क्योंकि वे खाना अच्छा खाने लग गए और खाने की वैरायटी वो फिट रखते हैं। हमारे भैया का बच्चा 11 साल का है, इतना बड़ा लगता है, अब आप बताइए कितना बड़ा लगता है, क्या खान पान है उसका, हाँ तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मुझे जापान की बात बताइए, वो जापान वाली कौन सी बात? बाहर तो डॉक्टर दवाई का नाम नहीं लिख सकता, सिर्फ सॉल्ट लिख सकता है, हमारे हाँ। यहाँ तो दवाई लिखते क्योंकि पैसे खाते हैं, हाँ वो दवाई कंपनियां पैसे देती है ना, कमीशन देती है। एक मिनट, वो जापान वाली बात क्या है? अब जैसे अब जापान में ये जो चीजें फॉलो होती हैं कि वो लोग रॉ फूड ज्यादा खाते हैं, सैलेड वगैरह खाते हैं, भगवान को उनके वो जो चक्र होते हैं वो चक्र यही है, मंत्र जाप होते हैं, कई में लाख जाप एक बार घुमाने होते हैं, कई में करोड़ों जाप होते हैं जो बड़े वाले होते हैं, वो कहाँ से आया? वो बौद्ध गया में जो बुद्ध भगवान थे उन्हीं का तो संदेश जो है आगे फैला, तो जैपनीज वही तो फॉलो कर रहे हैं, और हम इंडिया में रह के क्या कुछ फॉलो नहीं कर रहे, हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कहाँ तक कर रहे हैं, कपड़ों तक, खाने तक, और बाहर घूमने फिरने तक, हम ये नहीं देख रहे कि वो लोग हर संडे जो है नग्न और भग्न अवस्था तक, बस यही कहना चाहती है ना, बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कि वो चर्च जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो है हफ्ता में एक बार जो है सप्ताह में एक समय निकालते हैं कि वो जो है अपने बौद्ध धर्म के जो भी उनके मंदिर है वहाँ जाएं, अपना जो है थोड़ा टाइम भगवान को दे, ये सब नहीं सीखते हमें, अगर वो शराब पी रहे तो अरे शराब तो पियेंगे, अरे नहीं तो लोग कूल नहीं बोलेंगे, ये जो आजकल के बच्चे ना कहते हैं हम शराब नहीं पियेंगे, हम स्टाइलिश नहीं लगेंगे तो लोग हमें कूल नहीं बोलेंगे। अच्छा कूल शराब पीने से होता है? हाँ, आजकल के बच्चों का यही है कि बाकी सब फूल होते हैं, बाकी सब फूल, हाँ शराब पी के और बाकी शराब पी के कूल। आप देख लेना ज्यादातर जनसंख्या ये 7:30-8 बजे जो ठेकों पे खड़ी मिलेगी, ये 17 से लेके 30 के बीच की मिलेगी, लाइन से खड़े रहते हैं क्योंकि जयपुर राजस्थान में 8 बजे ठेके बंद हो जाते हैं, मान लीजिए हम कभी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, 7:30 से 8 बजे के बीच ज्यादातर बच्चे ही मिलेंगे, जबकि दारू का काम 9 बजे से रात के 12 बजे तक होना चाहिए। और अभी एक लेडी थी उनको मैं समझा रही थी कि भाई कोई बात नहीं, आप बच्चा दारू पीता ही अच्छी बात नहीं है, थोड़ा कहते कोई बात नहीं है तो जौ का पानी ही तो होता है, देव लोग भी तो पीते थे, हमारा बच्चा पी लेगा तो कोई बड़ा बात नहीं, उनका उनकी सुरा नहीं जानते कौन सी थी,
हाँ जी उनका वो नहीं जानते ये सोमरस कौन सा था, फिर कैसे कहते हैं हमारा बच्चा पी लेता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग भोलेनाथ के लिए कहते हैं वो भांग, सोमरस 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 क्या है पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए सोमरस क्या है जो ग्रंथों में लिखा है, अदरक का रस और गुड़ का पानी, गुड़ और अदरक का रस ये सोमरस है। देखिए मतलब ताकि ब्राह्मण को गला ज्यादा यूज करना पड़ता है ताकि उसका गला कभी बैठे नहीं, गला कभी खराब ना हो और उसका हाजमा बना रहे क्योंकि उसको बैठे रहना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है ये सोमरस, ये ब्राह्मण के लिए सोमरस बताया हमारे ग्रंथों में, तालियां बजा दो जोर से। अपने कंठ में धारण कर रखा है तो वो जो है उस भांग के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ड्रग्स में भी यूज होती है। तो आप सोचिए पौराणिक समय में भी वो भांग को एज अ दवाई लेते थे ताकि वो जो है उसका असर जो है वो सेडेटिव करके वो कम किया जाता है। जो दारू पीना चाहता है और जो भांग खाना चाहता है, गांजा पीना चाहता है, उसकी जगह भी तो फिर शमशान में ही होनी चाहिए ना, फिर वो गाँव में और घरों में क्यों रहता है? नहीं समझे आप? होड़ शिव जी की करेंगे ठीक है, अपनाएंगे भी वही पत्ती कि हमें तो शिव की तरह ये वाला भांग खाना है। अरे भांग खाना है तो फिर शमशान में ही रहो ना, यहाँ बाहर क्यों आते हो, वही नशे में पड़े रहो। नहीं समझे? अरे भगवान शंकर नशा करने के लिए ये सारा काम नहीं करते थे, भांग और ये पत्ते उनका आदर किया इन वृक्षों का भी, क्योंकि ये वृक्ष भी जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। उन्होंने तो वृक्षों का आदर कराया है, उन्होंने तो हमारी परंपराओं का आदर कराया है, उन्होंने तो हमें जड़ी बूटियां बताई हैं कि ये भी काम आएंगी एक दिन। और वो बहन जी ने बताया, अभी क्या बताया बताओ, गले में क्या क्या? हाँ। जैसे भोलेनाथ ने अपने जो है कंठ में विष को धारण किया था, भांग के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी दर्द को या किसी भी पीड़ा को जो है ड्रगिस्ट जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो उसको एज अ दवाई यूज करते हैं, क्योंकि वो दिमाग में जो ब्रेन सेंसर्स होते हैं उनको जो दर्द भेजने वाले सेंसर्स होते हैं उनका जो है वो सेंसेशन कम करती है ताकि ब्रेन के पास सिग्नल ही ना पहुंचे कि मुझे दर्द हो रहा है। तो भोलेनाथ ने तो एज अ मेडिसिन लिया, लेकिन आजकल लोग क्या अपना दिमाग अच्छा खासा चलता हुआ दिमाग सुन करके और एक अलग ही कहते हैं। अच्छा आपका नाम क्या, नाम क्या? मेरा नाम है निक्की पाठक। अच्छा निक्की पाठक, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें नेगेटिविटी है? तो क्या किसी हद तक वो गई भी कम भी हुई? मेरी तो बहुत चली गई। आपको होता क्या था? मुझे ऐसा होता था कि मैं तो खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी। हाँ। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई मेरा सर घूमने लगा, मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने कहा ये मेडिकली तो कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से भी पूछी आप ये किस चीज की मेडिसिन दे रहे हो, कहता ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। मेरी हार्मोन थेरेपी चालू की उन्होंने क्योंकि मुझे पीसीओडी था, अभी मेरी गुरु माँ से आज सुबह बात भी हो रही थी। अब आप देखिए मैं डेली आ रही हूँ, हर महीने 5-6 महीने से मैं हार्मोन थेरेपी नहीं ले रही, मेरी मंथली साइकिल्स नॉर्मल है। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अगर नेगेटिविटी नहीं थी तो फिर इन डॉक्टरों का आदर क्यों इतना? ठीक है, और उसको धता बताया जा रहा है जो उस नेगेटिविटी को निकाल रहा है, उसको पाखंडी बताया जा रहा है, ये नीच भावना नहीं तो और क्या है? ठीक है, मतलब कोई किसी चीज की खोज ना कर, मेरे ऋषियों की परंपरा कैसे छोड़ दूं? तेरे पूर्वज झूठे थे? नहीं। उन्होंने ये बात लिखी थी? हाँ। सारे ग्रंथों में ये बात लिखी है, पुराणों में ये बातें हैं, एक वेद को छोड़ के बाकी सब ग्रंथों में ये बातें हैं भूत प्रेत की, और तंत्र पूरा शिव से खड़ा हुआ है, और भगवान शंकर ने जितने भी मंत्र हैं वे ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं, उन सारे मंत्रों में मारण क्रिया और भूतों की अपसारण क्रिया दोनों लिखी हुई है, और प्रेतोन्माद पितरोन्माद लिखा हुआ है, शरक ऋषि ने लिखा हुआ है, सुश्रुत ने लिखा हुआ है, फिर ये निकम्मे नीच नलायक मानते क्यों नहीं अपने पूर्वजों की बातें? तो फिर ये पूर्वजों को ना माने, ये बिना पूर्वजों के हैं, ये वे पत्ते हैं जो डालों से कट के गिर गए हैं, और इनका आदर नहीं होना चाहिए समाज में। अब हम वेद को झुठला देते हैं, बड़े बड़े पंडालों में शिव महापुराण हो रही है, शिव महापुराण क्यों कही गई थी कोई जानता है? शिव महापुराण इसीलिए कही गई थी जो प्रेत, श्रीमद् भागवत कथा नहीं सर, गुरुजी शिव महापुराण में भी यही लिखा है कि जिन जो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाते उन्हें शिव महापुराण सुनाई जाती है ताकि और गरुड़ पुराण और गरुड़ पुराण भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आज तुझे पाके हम धन्य हो। बोलिए शनिदेव महाराज की, हमें तो पता ही नहीं था तू इतना कुछ जानती है, वक्तव्य ये, अरे लिखा हुआ जाए ऐसे ही टंट में, हमें तो ये पता है जो तेरा अनुभव है वो दुनिया को बोलेगा, तेरा अपना अनुभव क्या है वो बता हमें। मेरा अनुभव ये है कि मुझे ना काफी टाइम से नेगेटिविटी,
शादी के बाद ये नेगेटिविटी ऊपर आई। नहीं, ये पीसीओडी का कितने दिन इलाज करा है? पीसीओडी तो जब से मेरी शादी हुई जब से मुझे पीसीओडी है। कितने साल हो गए? मेरी शादी को 4 साल होने वाले। और 4 साल से तू दवाइयां खा रही है, और वो दवाइयां खा खा के तू थोड़ी मोटी भी हो गई है। मोटी 30 किलो बढ़ गए। 30 किलो बढ़ गए? हाँ। हाय राम, देखा डॉक्टर की दवाई ने 30 किलो वजन बढ़ा दिया। अच्छा, अमेरिका में किसी का वजन बढ़ जाए तो क्या कहते हैं? अमेरिका में ना वजन बढ़ने लगता है शुरू में ही, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ना उसकी टेस्ट होती है। टेस्ट में होता है कि आपको कौन सा आप फूड खा रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है, उसके अलावा ग्लूटेन हो सकता है, और भी बहुत सारे खाने। अच्छा, ग्लूटेन किस तरह का पदार्थ होता है? ग्लूटेन एक जो है लोच, जिसको हिंदी में आम भाषा में कहें तो ग्लूटेन लोच को कहा जाता है, जो आटे को लगाते हैं हम, गेहूं के आटे को, तो उसमें जब रोटी बनाने से पहले हम वो लोच लगाते हैं, तो वो लोच के लिए लगाते हैं, वो लोच आता है। अब इंडिया में लोग कहते हैं हम ग्लूटेन से एलर्जी, अरे भैया हमारे पुरखे खाते हुए आए हैं गेहूं, उनको ग्लूटेन से एलर्जी नहीं हुई, आज की जनरेशन क्या कहती है ग्लूटेन से एलर्जी है तो रोटी नहीं खाते। ये दिमाग में भरा किसने? ये डॉक्टर ने भरा ना? डॉक्टर के अलावा तो नहीं भरा? नहीं। अब कहते हैं कि व्हाइट राइस इतने अच्छे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेरे को भी बोला आप ग्लूटेन, आप रोटी खाना छोड़ दो, आप चावल खाना छोड़ दो, आप ये करना छोड़ दो, आप वो करना छोड़ दो। मैंने कहा मेरी उम्र अभी सिर्फ 26-27 साल की, मैं जीना थोड़ी ना छोड़ दूंगी, इतनी सी उम्र में इतना खाना पीना थोड़ी ना छोड़ सकता आदमी। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल था डॉक्टर के लिए। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? तो मैंने कहा डॉक्टर आप ऐसा कुछ बताओ कि मेरी दवाई छूट दे, खाना पीना तो नहीं छोड़ पाऊंगा। आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, भगवान। फिर आ गया योगा पे, भगवान में ध्यान लगाओ, फिर आ गया वही। हाँ, वो वही। तो अभी तो मैंने अपनी मेडिसिन को जो है स्टॉप लगा रखा है। अभी मेरी 50 mg की गोली अपने आप 25 mg की हो गई थायराइड की। कैसे हो गई? अच्छा, अब मुझे एक बात बता, डॉक्टर्स में और मनु भैया में क्या फर्क समझते हो? मेरा ये मानना है कि शारीरिक बीमारी के ऊपर भी ना एक चीज है, और भी बीमारी का मतलब सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं है, जैसे मानसिक बीमारी हो सकती है, वैसे ये जो नहीं, डॉक्टर मन का तो हो नहीं सकता। जब मन का डॉक्टर नहीं है, जैसे वो बोल देते हैं मनोचिकित्सक है, लेकिन वो मनोचिकित्सक आध्यात्मिक होना चाहिए। फिर सरकार उस मनोचिकित्सक को आध्यात्मिक क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो बातें आपको सिखा सकता है, जो समझा सकता है, वो एक सामान्य चिकित्सक तो नहीं समझा सकता। ये बात है कि नहीं है? और मन पे उसका कोई राज नहीं है, उसी को नहीं पता मन की कितनी तरंगे है, उसी को नहीं पता मन कितना सूक्ष्म है। तो जो उसको मन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना, जिसका खुद का मन मलिन है, जो खुद मलिन सपने लेता है और मलिनता से पूरे दिन विचार करता है और इधर उधर की गंध देखता फिरता है, तो मैं बस एक ही सवाल है कि डॉक्टर सब कुछ जानते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत करी उन्होंने, 5 साल MBBS में दी सब कुछ, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा सुसाइड केस तो डॉक्टर्स के ही है। ऐसा क्या हो रहा है कि डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं सबसे ज्यादा, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है? वो डॉक्टर सुसाइड इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर पैसा कमा रहे हैं, और कुछ डॉक्टर पैसा नहीं कमा पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। वो इस चिंता में कि चिकित्सा को बदनाम किया जा रहा है, उसके नाम पर ठगा जा रहा है। हाँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिले हैं जो वो बताते हैं सर में दर्द हो रहा है। भाई हम, मैंने जो है 12th में साइंस बायो ली थी, तो मेरे भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं। हाँ। वो कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है, उनको लक्षण नेगेटिविटी के ही है, लेकिन कौन समझा है? अब आज नहीं कल 5 साल बाद मैं भगवान ना करे, लेकिन मगर वो कुछ सुसाइड जैसा कर ले, फिर तो डॉक्टर मानता ही नहीं है इन सब बातों को। साइंस मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं इन बातों को, नहीं कोई डॉक्टर मर के दूसरों को दिखाई देने लग जाए तो प्रेत मान लेंगे, फिर उसको फिर कहेंगे यहाँ तो एक डॉक्टर की आत्मा घूमती है, कमाल है भाई, हदी है। और फिर उस एरिया को छोड़ देते हैं वहाँ से कि यहाँ तो फला डॉक्टर की आत्मा घूमती है ना। उड़ीसा, अभी उड़ीसा में एक ऐसा केस आया कि 4th माले पे एक प्रेत की आत्मा घूमती थी वहाँ, और वो दिखाई भी देती थी, और वो न्यूज पे आया बकायदा उड़ीसा के चैनलों पे। वो 4th माला खाली हो गया, जो डॉक्टर भूत प्रेत को मानते नहीं है, सबसे पहले उन डॉक्टरों ने अपना वो हटा लिया वहाँ से, क्या बोलते हैं वो ऑफिस हटा लिए वहाँ से, और वो हटा ली टेबल वहाँ से। चेकअप हाल फिलहाल की बताऊं, जयपुर में 10 साल से बॉम्बे हॉस्पिटल बन रहा है, जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत अच्छा मल्टी स्पेशल, 10 साल से वो बन ही नहीं पा रहा, बहुत सारे फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, भगवान के लिए वहाँ मंदिर की जगह दी, जगह को बंधवाया करा, कई मजदूरों की मौत हो जाती, अब जाके उसका काम फिनिश हो पाया। ऐसा कैसा हॉस्पिटल बन रहा था कि रुकावट आ जाती थी, 10 साल से बन ही नहीं रहा था भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दाग दिया तुमने डॉक्टरों के सीने पे।
बहुत अच्छी बंदूक छोड़ी, बहुत अच्छी गोली, आगे आगे आगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शारीरिक बीमारियां होती है, मैं ये नहीं कहती आप जाओ आपको बुखार है, तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आप हर एक बात शारीरिक बीमारी कोई भी 5 दिन में अपने आप अगर ठीक नहीं हुई तो ही आप डॉक्टर के पास जाओ, वरना तो बुखार भी 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो इम्यूनिटी वीक है इंडियंस की इतनी ज्यादा। हाँ, क्यों? गोली खाने से, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हर किसी की बॉडी में। अब हार्ट अटैक क्यों आने लगे कम उम्र में? पहले तो कभी नहीं सुना आपने भारत में? वो इसी वजह से तो है, पहले तो दूसरों का हार्ट फट जाता था यहाँ के लोगों की हृदय विदारक कल्पनाएं और कथाएं सुन के। एक भगत सिंह की कल्पना करके कि कैसा आदमी था, फांसी को गले लगा लिया, भाग सकता था, जबकि जब ये बात सुन के दूसरों के हृदय फट जाते हैं, आज भारत में सबके हार्ट अटैक ही हो रहे हैं छोटी छोटी उम्र में। काहे हो रहे हैं भाई बताना जरा? खान पान है, लाइफ स्टाइल है। हाँ, और खान पान है, लाइफ स्टाइल है, और वही डॉक्टर सर्दी जो काम हो गया। आपको लगता नहीं बहुत सारी बीमारियों के पीछे डॉक्टर कारण है और उनको पढ़ाने में डॉक्टर कारण है? मेरे हिसाब से तो 90% बीमारियां आजकल डॉक्टर ही दे रहे हैं। अच्छा, आपके आज तक कितने रुपए के टेस्ट हुए? आप मान लीजिए हार्मोन टेस्ट एक बार आप कराने गए ना, तो हमें तो पीछे की पता है कि डॉक्टर का कितना कमीशन है वो है, तो हम अपना सेल्फ कराते हैं। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल इंसान कराने जाएगा तो एक बार में। अच्छा, तुझे कैसे पता चला डॉक्टर का पीछे कमीशन है? वो सब ऐसा होता है ना कि इस फील्ड में फ्रेंड भी डॉक्टर है। हाँ, फ्रेंड्स भी डॉक्टर है तो पता रहता है, और देखते हैं डॉक्टर्स के पास बैठे रहते हैं। तो मेरा ऐसा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह में भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो बातचीत होती रहती है, हर तरीके के आदमी से मिलना जुलना रहता है, तो ऐसा ना कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, वो टेस्ट फिर कितने का पड़ता है? हार्मोनल टेस्ट बाहर 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का तो बेसिक है, जिसमें थायराइड प्रोफाइल होगा आपका, FSH, LH और भी हार्मोन से बॉडी हार्मोन उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, और बहरहाल उनके अगर नॉर्मल टेस्ट कराए जाए तो 2,000 से 3,000 में हो जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी का तो इतना ज्ञान है नहीं, और बेचारा तो जाएगा नॉर्मल डायग्नोस्टिक सेंटर पे, अब वो फलाना फलाना डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर के तो बैठे बैठे 500 रुपए फिक्स हो गए एक टेस्ट पे। एक टेस्ट है वो 1,500 रुपए का होता है, लेकिन उस टेस्ट की कीमत जो है वो 750 रुपए ही है, तो 750 में से 500 जो भी है डॉक्टर का कमीशन डायग्नोस्टिक सेंटर का। इतने डायग्नोस्टिक सेंटर्स और इतने डॉक्टर्स को जो है MR जो है घुमाने लंदन भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, कार किस करें, कहाँ से आ रही है। अच्छा, तू एक बात बता ना, तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक लंदन का चेहरा ही नहीं देखा मैंने। अरे मैं तो आज तक अपने उसको नहीं देख पाया, नेपाल को, जो हिंदू राष्ट्र है। हैं जी, अंग्रेजों की तो बात क्या करूं। ठीक है, देख 20 साल से मेहनत करते कर, और देखो वो भी अगर कोई सनातन ट्रस्ट बनता है, बोर्ड बनता है, वो भी मेरे नाम जितनी संपत्ति है मैं उसी दिन उसके नाम कर दूंगा। कमाल की बात है। मेरा ऐसा मानना है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तब भी देख लो हमारा देश इसीलिए पिछड़ता जा रहा है। पीछे किस लिए पिछड़ता जा रहा है? क्योंकि अच्छा, आपसे 500 रुपए मेरा भी कमीशन, 100 रुपए मेरा भी कमीशन, ये कमीशन के चक्कर में कहीं भी चले जाओ, आप डॉक्टरों के पास चले जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल चाहे सरकारी दफ्तर कहीं भी चले जाओ, ये जो कमीशन है ना, जो सुविधा शुल्क, इसके चक्कर में हमारा देश पीछे जा रहा है, चाहे नेता हो या चाहे कोई भी हो। मैं तो इस बात को बोलने से नहीं डरती, कहीं भी चले जाओ वो सुविधा शुल्क और वो VVIP इसके चक्कर में ही जो है हमारा देश पिछड़ रहा है। अब वहां जाइए, आप आम इंसान है, चाहे आप जो है झाड़ू लगाते हैं, चाहे थोड़े अखबार बेचते हैं, चाहे प्रचलित है, सब समान है, आपको लाइन तो लगानी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा, कहाँ जाइए ऐसी लाइन कहाँ? अमेरिका जाइए, जैसे हमारी माता जी अमेरिका जाके आई थी, तो वो हमें बता रही थी कि वहाँ पे कोई भी है आपको लाइन का सिस्टम तो फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है धक्का दे दे 500 का नोट दिखा दे तो आप आगे चले जाओगे, ये सिस्टम वहाँ है ही नहीं। यहाँ तो मंदिर में भी 500 का नोट दिखा दो आप आगे चले जाओगे। VVIP लगता है वहाँ भी, मंदिरों में, बड़ी बड़ी मंदिरों में VVIP लगता है, 500, 300 रुपए, 400 रुपए ऐसे लेंगे, 2,000 रुपए लेंगे आपको, पाँच मिनट में दर्शन। बोलिए शनिदेव महाराज की। भगवान के नाम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग टैक्स ले रहे हैं, फिर वो लोग कहते हैं हम इतने दुखी क्यों रहते हैं शरीर से, हम इतने परेशान क्यों रहते हैं। अरे तुम लोगों इतना मेहनत से कमाया पेट नहीं भरता, मेहनत है नहीं, मेहनत से कमाया हुआ धन लोगों का तुम ऐसे लूटोगे तो तुम कहाँ से सुखी रहोगे। बहुत इसीलिए मैं मानती हूँ कि शनिदेव जो है,
इंडस्ट्री को चलाती है उससे वो बीमार करते हैं फिर ये दवाइयाँ बेचते हैं, ये चलता रहता है साइकिल। नहीं तो मेडिकल वालों की तुम क्या कहना चाहते हो, फूड वालों से साठ गांठ है, ओनरशिप है। मैं ना ऑन कैमरा एक बहुत बहुत अच्छी फूड चेन है, उसका नाम नहीं, उस फूड चेन में मैं खुद पर्सनली गई। हाँ। उस फूड चेन में क्या होता है ना, इंडिया के अंदर बता रही हूँ मैं आपको, वैसे वो बाहर की है। हाँ, बाहर की मल्टीनेशनल फूड चेन है, टेस्ट में आपको फर्क आ जाएगा आप खाएंगे तो। यहाँ पे क्या होता है, जो उसके फ्राइज आते हैं फ्रेंच फ्राइज बहुत उसके फेमस है, फ्राइज में क्या होता है ना वो ऑयल जो उसमें यूज होता है ना काला होता रह रहा है तो फूड इंस्पेक्टर आया, ले तू भी 5,000 ले तू भी 10,000, उसने तो ओके कर दिया। लेकिन हमारे जो अंदर जा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल और इतनी सारी, तभी तो 35-35 साल के इंसान है जो भी है महिला पुरुष उनको हार्ट अटैक आ रहा है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, घी मत खाओ। हमारे पुराने जमाने में जो हमारे दादाजी थे केवल घी खाते थे, घी खाते थे। अब वो क्या कहते हैं, घी मत खाओ, ये मत करो। अब वो एक सफोला का वो आता है हेल्दी हार्ट ऑयल। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सफोला वालों से भी कि क्या वो सरसों कच्ची घानी ऑयल से भी ज्यादा जो है सेफ है और हेल्दी है हमारे लिए? नहीं। और उसमें आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है राइस ब्रान ऑयल पाम ऑयल मिला हुआ है, तो पाम ऑयल तो हमारी पद्धति थी नहीं, हमारे लिए कभी अच्छा था ही नहीं। हमारे बाप दादा तो सरसों का तेल मूंगफली का तेल और घी खा के बड़े हुए, फिर हम उनकी होड़ करते हैं कि वो तो 100-100 साल जी लिए, हम क्यों नहीं जी पा रहे। तो हमें जो है केवल सरसों का तेल यूज करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति बुरी नहीं है लेकिन हमें ये भी भूलना पड़ेगा कि हमें हमारे रूट से जुड़े रहना। तो अमेरिका वाले क्या ये सफोला आदि नहीं खाते हैं? वहाँ पड़ती है सर्दी, अमरीका में सरसों का तेल बैन है। सरसों का तेल सिर्फ आप बॉडी की मालिश के लिए यूज कर सकते हो, कुकिंग में यूज नहीं कर सकते। अब ये बताएगी, हाँ अमेरिका था भी सवा महीना रखा है था, हाँ बैन है, क्यों वो बैन क्यों हुआ? सरसों बैन है वो बोलते खाने लायक ही नहीं। लेकिन अब देखिए वहाँ पे वो मस्टर्ड सॉस तो आती है, मस्टर्ड सॉस तो आती है वहाँ, सॉल्ट बैन बैन है वहाँ पे, ओनली फॉर मसाज है वहाँ पे, वो वैरायटी सॉस सरसों की भी अलग अलग वैरायटी होती होगी ना वहाँ, उस प्रकार की सरसों पैदा ही नहीं होती होगी जो यहाँ पैदा होती है। वहाँ पे उन्होंने बैन किया हुआ है, वहाँ पे वहाँ पे भी वो पतंजलि का सरसों तेल मिलता है अमेरिका में। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भैया जो है अपने घर पे वो सरसों तेल में ही खाना बनाते हैं, पीली सरसों। अब वो वहाँ पे तेल बैन किया, वहाँ के लोग खाना क्यों नहीं जानते, वहाँ सरसों इतनी अच्छी होती है। पहले से नहीं होती, तो गन्ना नहीं होता तो कॉर्न सिरप लिया जाता है चीनी के लिए, चीनी की जो है कमी को पूरा करने के लिए कॉर्न सिरप लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ गन्ना भरपूर है लेकिन हम भी अच्छा ब्राउन शुगर लेंगे। पहले जब ये मुझे सन तो याद नहीं, लेकिन पहले जब पहले की सरकार थी उन्होंने चीनी मिल इसलिए लगवाई थी उनका फायदा था, उन्होंने क्या कहा गुड़ मत खाओ, गुड़ की कमी करवा दी, ये जो देसी खांड आती है इसकी कमी करवा दी, चीनी खाओ चीनी खाओ चीनी खाओ। अब रिफाइंड शुगर खा के अब हम वापस से क्या कर रहे हैं, हम वापस उसी ब्राउन शुगर में उसी गुड़ की पद्धति में वापस जा रहे हैं। जैसा कि आपने वो टूथपेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, पहले लोग कोयले से दांत मांजते थे वो कहते नमक मिला के, वो कहते थे दांत गल रहे हैं, और अब देखिए उनका कोलगेट वाले कहते हैं दांत गल रहे हैं, अभी निकम्मे कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, और चारकोल का एक अलग से टूथ 40 साल बाद कहते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। इनकी इतनी भद्र है ना भारत की तो जो ये पद्धति है उनको बल्कि लगाम इनकी कंपनियों की खींच के रखनी चाहिए, ऐसी कंपनियां बैन होनी चाहिए जो पहले कभी ये कहती थी कि नमक से आपके दांत गलते हैं और आज 40 साल बाद कह रही है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। ठीक है, आगे ये कहने लग जाएगी सैंधा नमक है क्या, और अब टूथपेस्ट में हल्दी भी आने लगी है, बताओ आने लगी है कि नहीं, क्यों आने लगी है भाई। और कोला भी, कोयले का भी टूथपेस्ट आने लग गया है, कोल का भी COAL। यही है बस। अब आप देखो मेरी थायराइड की दवा स्टार्ट हुई, मैंने अपने लिए भी खुद भी रिसर्च किया कि मैं इसे कैसे कम कर सकती हूँ। आज 50 है मेरी बॉडी को, 50 mg खाने की आदत पड़ जाएगी तो मेरी बॉडी क्या 50 mg दवा बनाना ही बंद कर देगी। मेरा शरीर पता है कि अरे सुबह जो है 7 बजे गोली अंदर आ जाती है तो मैं क्यों बनाऊँ। ब्रेन इतना ज़्यादा, हमारा बॉडी फंक्शन इतना स्मार्ट होता है कि अगर हम बाहर से ही चीज़ें लेने लगते हैं ना तो वो बनाना ही बंद कर देगा, और वो बनाना बंद कर देगा तो वो एक तरीके से मेरी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी। ये नहीं बताएंगे कि आप योग कीजिए, आप धनिये का पानी पीजिए जिससे आपका अपने आप बॉडी खुद से बनाने लगे। वो क्या 50 mg की लिख दी, कम से कम 1,000 अरब का फाइन होना चाहिए ऐसी कंपनी पे जिसने ये बात इतने साल पहले कही और आज तक लोगों का वो छुड़ाए रखा। आगे ना समझ में, पहले सैंधा नमक हल्दी और क्या और सरसों का तेल ये मिला के हम मसूड़ों पे लगाते थे,
आ गया ना समझ में। और अब वही वो मिलाकर कॉम्पोजिशन कुछ इधर उधर करके दे रहे हैं। तो यही है कि मैं यही कहूंगी आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओ, लेकिन उनके ये भी देखो कि वो अच्छे उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपनाओ, ना कि उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपनाओ। और मुझे बोलिए शनिदेव महाराज की, बहुत पर्सनली मुझे जैपनीज कल्चर बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे? वो ऐसे उनके जीने का रहने सहने का स्टाइल। तो क्या वो भूत प्रेत को मानते हैं? मानते हैं। आपको कैसे पता? क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ पे भी मैक्लोडगंज जाएंगे या फिर आप लद्दाख की तरफ जाएंगे तो वहाँ लामा होते हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो जिनको पागल खाने वालों ने भी हाथ जोड़ लिए, सही नहीं कर सकते, वो वहाँ जाकर अपने आप सही हो जाते हैं। साल दो साल में कैसे सही हो जाते हैं? वो ऐसा क्या फूंक देते हैं उनके कान में? वो केवल जप करते हैं और जप से ये चीजें भागती है, काम खत्म। घंटे बड़े बड़े घंटे होते हैं जिन्हें हम घुमाते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि एक बार ही उसे चलाने में हमें जो है लाख जाप का फायदा मिलता है? मैं बताता हूँ ना, वो शब्द है ना, और वो शब्द अगर शुद्ध है और उसके साथ आपने अपना शब्द मिला दिया अंतर का, तो आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाएगी तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। वो उसी का प्रतीक है और किसी चीज का प्रतीक नहीं है। आपको पता नहीं है, भूत प्रेत जो है इस तरह के शब्द को सुन नहीं सकते, और वहाँ बारम्बार हर रोज बजाया जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ भी मंदिरों में घंटे क्यों लगाए गए हैं? ताकि उस शब्द से नकारात्मक ऊर्जाएं भागे, आपको नष्ट हो जाए, भाग तो जाए कम से कम। जिसको अभी लगी है वो तो एक बार दो बार घंटा सुनेगा भाग जाएगी, नहीं समझे आप भाई? इसको शोर पसंद नहीं है और वहां से शोर आ रहा है, और शोर भी सात्विक आ रहा है, तब सात्विक तो ये सुन ही नहीं सकता, बेहोश हो जाएगा, गिर पड़ेगा। तो जब मैं कान में फूंक मारता हूँ तब वो शब्द ही तो जाता है अंदर, और उससे वो गिर पड़ता है एकदम से, नहीं ऊपर आता है और कांपने लग जाता है। देखा नहीं? देखा है? आपने महसूस किया है ना? हाँ। क्या हुआ था जब मैंने आपको फूंक मारी, बताना जरा। आपने तो नहीं, मुझे गुरु माँ ने जब फूंक मारी थी तो मेरे को ऐसा हो गया जैसे मुझे मलेरिया हो गया, हाथ पैर कांपने लगे और ऐसे बिल्कुल ऐसा लगा गिर जाऊंगी पीछे। बोलिए शनिदेव महाराज की। और बहुत सारे लोग रोक नहीं पाते, उछलने कूदने लगते हैं। हाँ। है ना? और हम कहते हैं क्रिश्चियन की थेरेपी गलत है। नहीं, गलत नहीं है, शब्द वहाँ भी कमाल दिखाता है। एक्टिविस्ट होते हैं आजकल, वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डर वगैरह और उनका वो एनर्जी का एक पैमाना होता है, उसे एनर्जी नापते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कोने में दिक्कत है, मतलब उस कोने में ही वो नेगेटिविटी हमेशा रहती है। अच्छा, और एक बात देखो, डिस्कवरी चैनल पे प्रेतादिकों के प्रोग्राम चलते हैं बकायदा, ठीक है ना, और वो उनमें दिखाते भी है। मैंने देखा था एक बड़ी उसमें बहुत पुराने हॉस्पिटल में जो बंद था, उसमें तीन लोग गए पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने के लिए, और वहाँ एक दीवार के किनारे एक लोहे की छड़ रखी थी, जैसे हम यहाँ कुदाल रख देते हैं, और वो छड़ बिना छुए बिना उसके और कैमरे के सामने में दिखा रहे हो, उन कैमरा अपने आप नीचे गिर गई, ठीक है ना, जो पता नहीं कितने वर्षों से रखी थी एकदम से नीचे गिर गई, जबकि ना भूकंप ना पत्ती हिल रही है ना कुछ हिल रहा, फिर ये कैसे संभव हुआ? ये तो हमें उन मूर्खों को समझाना है ना कि जो इन सब में मानते ही नहीं है। लेकिन वो मूर्ख तो भारत की भट्टी में ही पैदा होते हैं, यहीं की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उन मूर्खों की। इसी बात का दुख है कि ये पत्ते उन डालों से कटे हुए हैं जो पौराणिक है, जो सनातनी है, और ये अपने आप को वो डाल तो देखी नहीं इन्होंने, अब तो ये अपने पूर्वज भी नहीं मान रहे और कुछ भी नहीं मान रहे। जय शनिदेव। तो इनके थे नहीं इसलिए नहीं मानते, ठीक है ना। ये ऐसे ही हो गया जैसे माँ का मुख तो देखा नहीं, अपने आप को पैदा होते हुए तो देखा नहीं, तो ये मेरी माँ नहीं है, ठीक है। इन मूर्खों को समझाओ, माँ वही होती है जो पहली भूख को शांत करती है, और तुम मूर्ख ही रहोगे। और अगर मूर्ख नहीं हो तो बताओ कि बिना देखे कैसे मान लेते हो कि ये मेरी माँ है? कौन सा पैमाना है कि ये मेरी माँ है, जब आपने पैदा होते हुए देखा नहीं अपने आप को, और आप हर चीज बिना देखे रहने नहीं चाहते, इसलिए आपको भूत प्रेत देखने हैं जो पहले से ही सूक्ष्म है। जब मर जाओगे, खुद प्रेत योनि में आओगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कितने घूम रहे। आदमी आदमी को देखता है नहीं, गधा गधे को पहचान लेता है, और वो आदमियों को भी देख लेता है, और आदमी से डरता भी है ना। तो उसको जो जो सामने स्थूल दिखाई देता है उसी को तो देखता है, तो क्या गधे को हवा दिखाई देती है? अब ऐसे तो बैक्टीरिया लोग कहते हैं, अब बैक्टीरिया कितना सूक्ष्म में उड़ रहा है। अब बैक्टीरिया होता है ना, दिखा जो चीज दिखाई नहीं देती ऐसा नहीं है। अरे वायु में लाखों मॉलिक्यूल्स के कण हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ हमें लाभ दे रहे हैं और कुछ हमें हानि पहुंचा रहे हैं, कुछ हमारे सीधा किडनी पे इफेक्ट कर रहे हैं फिर, और हम उनको ग्रहण कर रहे हैं। अब वो दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है। यही
इसका मतलब क्या है कि भारत में पागलों का संचालन केवल डॉक्टर करता है, वो भी अपने कृत्रिम फायदे के लिए, केवल अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए और नाम बनाने के लिए। मैंने गलत कहा? इफ आई एम रॉन्ग और नॉट? यू आर टोटली राइट, टोटली राइट। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब आपके अनुभव को कौन ले जाएगा? मनु भैया के 20 साल के अनुभव को कौन छीन लेगा? जी न्यूज वाला या न्यूज नेशन वाला बेहोश होकर छीन लेगा है? या पाखंड करके छीन लेगा कि ये देखो मैंने पाखंड कर दिया? और पाखंड क्या है कि मनु भैया के पास आने से आदमी बीमार होता है, अरे नलायक बेहोश होता है, और दूर जाने से ठीक होता है। अरे नलायक झूठ भी बोल तो ऐसा कम से कम एक वो आती है ना फिल्म है खुदा गवाह, कोई तो गवाह है ना, मेरा भी तो मेरा शनि गवाह है आगे ना, और मैं उसके सामने बैठ के अपराध कैसे करूं जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तुम भगवान को मानो ना मानो, मैंने तो हृदय से माना और उसको देखा है, उसको जाना है, पहचाना, हाथ से छुआ है, ठीक है, सूक्ष्मता से देखा है। अरे मैं उसके लोक तक की यात्रा करके आया हूँ, मैंने क्या नहीं देखा भाई, मैंने इतना समय गुजारा है भक्ति में, कुछ हद में दुनिया भर की स्तुतियां लिखी है उससे। वो पूछते हैं नीच कहीं के, कई नीच ऐसे बैठे हैं वहां पे धर्माचार्य, वो गाली देने से भी नहीं चूकते, ऐसे धर्माचार्य हैं। और ये मैं भी गाली दे रहा हूँ उसको कि वो नीच है, कि मुझसे पूछते हैं कि मंत्र सुनाओ और फिर सुनते नहीं, क्योंकि मैं जब मंत्र सुनाना शुरू करूंगा तो फिर इतना सारा सुनाऊंगा कि सवेरे से लेकर रात तक हो जाएगी, मैं एक थोड़े ना सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने तो हजारों मंत्रों की तो अपने साधकों से ही साधना करा दी है। तब उनको पता चल जाएगा, उनके पैर के नीचे की जमीन चली जाएगी, फिर न्यास का अर्थ बताऊंगा, बीज का अर्थ बताऊंगा। प्रत्युष खरे सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता था, अब जब वो पॉइंट प्रूव नहीं कर पाया ना तो ये नॉर्मल इंसान की साइकोलॉजी होती है कि वो पैनिक हो जाता है। हाँ। तो अब क्या करेगा, पैनिक में बड़बड़ाएगा, आपको बोलने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप बोल देंगे तो उसका पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा और वो अपना पॉइंट कैसे प्रूव करेगा। हाँ, तो यहाँ पता चला ना कि जी न्यूज के एंकर की हवा निकल गई। हवा निकलना क्या है कि पेट की हवा निकल गई सारी की सारी, सूख गया गला है। और मनु भैया क्लास आ गया था प्रत्युष खरे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं, तो वो बस चिल्लाए जा रहा नहीं। प्रत्युष खरे ने एक काम अच्छा किया उन डॉक्टरों के साथ मिलके, जी न्यूज के स्टूडियो को भी क्या कहते हैं वो बना दिया, क्या बोलते हैं वो मशीनों वाला, वो क्या बोलते हैं वो डायग्नोस्टिक सेंटर बना दिया। हो सकता है जी न्यूज की एक दिन बिल्डिंग भी हॉस्पिटल बनी पाए, है ना, उनको पता चल गया ना डॉक्टर से ही पैसा कमाया जा सकता, तुम डॉक्टर बन जाओ। गुरु जी ने देशवासियों को निमंत्रण दिया था वहाँ से कि भाई किसी को भी यहाँ फ्री में लो और जी न्यूज पे जाओ और दिखाओ। अच्छा, आपको कैसा लगा जब उन्होंने कहा मनु भैया को हथौड़ा बाबा और एक किसी ने कहा कि हथौड़ी बाबा, कैसा लगा? पहले तो समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये हथौड़ा हथौड़ी क्या, ये नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हाँ। फिर मैंने देखा कि पाखंड कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि वो कोई बाबा जी ने भगदड़ मचा दी थी, तो मैंने कहा एक बाबा जी कहा है वो? वो बाबा जी, वो बाबा जी को गायब करना था, क्योंकि वो बाबा जी जो है वो वोटों का जरिया है सरकार का, इसलिए उसको गायब करने के लिए। अच्छा, और एक बात, मैं बहुत सारे बड़े बड़े महात्माओं की दृष्टि में खटकता था, क्योंकि मैंने सबको चेताया और सबकी हकीकत बताई यहाँ, तो उन्होंने मिलके ये स्वांग रचा कि किसी तरह मनु भैया को घेरा जाए, है ना। और यहाँ आके एक दिन पहले एक जो है एक चैनल की एक लेडी यहाँ आई, वो सारा देख के गई, फिर उन्होंने उनको प्रोग्राम बताया, फिर उन्होंने जो वो व्यू रचा, ना तो वो मंदिर में गए वहाँ, ना वो वहाँ गए, यहीं के यहीं उन्होंने व्यू रच दिया, ठीक है। और फिर जान पूछ के क्या टारगेट किया, एक कार में लीड लगा दी गई, फोन यहाँ रखा गया, वो थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जाता था, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं क्या बक रहे हैं, और दिखाई कहीं दे ही नहीं रहा था, यही नहीं पता आदमी सामने कौन खड़ा है, तो वार्तालाप किससे और अपनी बात को साबित कैसे करें, क्योंकि उनकी चहचहाट इतनी है कि जैसे खुजली वाले कुत्ते जो है आपस में एक दूसरे खुजा रहे। वो मेंटलिस्ट ने जो है ये नॉर्मल सी बात है, ये तो कमेंट लिखा था, आपके हृदय के सबसे पास या तो आपके इष्ट होंगे या आपकी धर्मपत्नी होगी या आपकी बेटी होगी। हाँ हाँ, तुझे तो पता ही नहीं है। अरे भाई ये भगवान बैठा है, मैं बताता हूँ तुम्हें, वो मुझसे ये कह रहे अपनी बेटी का नाम बताओ सारा रोक के, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बेटी का नाम सोच रहा था जो मेरे भाई की बड़ी बेटी है, क्योंकि मैं प्यार ही उससे ज्यादा करता हूँ पूर्णिमा से, और मैं प्रतिभा कहने वाला था, मैं उसका नाम बुलबुल बोलने वाला था, लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया, किसी ने मेरे कान में फोन में कहा कि अपनी बेटी का नाम बता, अपनी बेटी का नाम बताओ, तो वो उधर से केवल फोन को संचालित कर रहे थे मेरे को, ठीक है। फिर ये तो दिखाया नहीं, इस बैग में और भी कुछ है, वो मैनिपुलेशन कर रहे, मैनिपुलेशन कर रहे। अच्छा एक बात बताइए, जो मेंटलिस्ट है वो हमारी क्या होड़ करेगा? हमारे एक नंदू ने ये बता दिया बिना पूछे कि आपके यहाँ दो संदूक है, उस संदूक में एक तरफ सोना रखा, आगे चाबियां रखी है, और फिर दूसरे में क्या बताया कि ये लड़की है श्रावणी, उनके घर का ये बैठे हैं मुंबई वाले, कपड़े क्या है, फाइल कौन कौन सी रखी है, एक बिजली के बिल की है, दो प्रॉपर्टी की फाइल है,
ये सब बता दिया बिना पूछे। मेंटलिस्ट तो ये कहता है पहले सोचो, पहले सोचो। और एक बात, हम कोई चमत्कार नहीं करते, ये परा विज्ञान है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। और तो जो सूक्ष्म है, जो इस पृथ्वी से चला गया, वो इसको पहचान सकता है, वो इसकी तह तक जा सकता है, ठीक है। अरे भाई, हनुमान जी का आना, तुलसीदास जी को बताना, ये केवल प्रेत से हुआ, क्योंकि प्रेत सूक्ष्म था और देवता भी सूक्ष्म होते हैं। उन्होंने, उसने ही बताया कि जाओ, मैं तो जा नहीं सकता पास में, क्योंकि मेरी तो देह जल जाएगी, मेरा तो ये शरीर जो है ये जल जाएगा जो मुझे मिला है प्रेत योनि में। लेकिन तुम वहां जा सकते हो, एक बूढ़े का वेश धर के हनुमान जी वहां आते हैं उस कथा में, और जाओ और सुनो। ऐसा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे, तुझसे चर्चा करके बहुत अच्छा वो मिला, और आपको बहुत गहन जानकारी है। सभी माताओं बहनों को ऐसे पढ़ना भी चाहिए, रुचि भी लेनी चाहिए, अपने अध्यात्म के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ जी, बेसिक जानकारी हर रोग के बारे में होनी चाहिए। अगर मुझे फीवर है तो मुझे थोड़े हल्दी का दूध घर पे थोड़े से उपाय करके फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना। एक बात बताइए, पहले लोट लोट के फीवर कैसे ठीक हो जाता था? एक मेरे आज तक के रिकॉर्ड है, अभी मुझे नाड़ी खींची, मैंने एक टेबलेट ले ली, उस टेबलेट से मेरे यहाँ दर्द होने लग गया। मैं खांसी का जब भी सिरप पीता हूँ यहाँ दर्द होता है, यानी कि जो फेफड़ों के आसपास। इसका मतलब ये सारी टेबलेट आपके फेफड़ों पे असर डालती है। अब मैंने इन टेबलेट को खाना, खिलवाना, और जिस रोग से आपकी अपमृत्यु ना हो, उन रोगों में आप ये सब चीज़ ना खाएं, ऐसी टेबलेट ना खाएं। पहले भी बुखार चढ़ते थे बहुत तरह के, आप टेस्ट कराएं पहले, दवाई खाने से पहले तो आप टेस्ट करा के पहले ये जान लें कौन सा रोग है आपको। डेंगू जैसा रोग है तो आप पहले से ही जूस आदि लें, बकरी का दूध लें, और जो और कई एक बेल है उसका क्या कहते हैं, पपीते का भी गिलोय, पपीता खाएं खुद, ये सब चीजें खानी आरंभ कर दें, ठीक है। मैं मानता हूँ समाज में कुरीतियाँ भी फैली हुई है, ऐसा नहीं है। आजकल बीमारी होती है तब खाते, पहले क्या करते थे लोग, हमेशा मौसमी फल होते हैं ना, जैसे अभी वो खाते रहते थे। बहुत अच्छे, ये बात बहुत अच्छी है। रोटी सब्जी खाते थे, दही छाछ खाते थे, दूध पीते थे, घी खाते थे। तो अपना खान पान जब तक इंसान नहीं बदलेगा ना, तो फिर वो आप डॉक्टर, आप ये सोच लो कि एक परमानेंट डॉक्टर आप अपना रख ही लो, जिसको आपको हर महीने 5,000, 10,000, 1,00,000 रुपए देंगे। कितनी गहन नॉलेज है इस बहन को, और सबको ऐसी होनी चाहिए। जी जय शनिदेव बोलो सारे। जय शनिदेव।